हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी एंड टुडे वी आर कवरिंग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, यानी नेचर एंड पर्पस जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है हम ये कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में देखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस ये है, बिजनेस रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है ये? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड है? आप परचेज कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? या तो परचेज कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो, सेल कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज का। लेकिन आपका मोटिव यहाँ पे क्या है, परचेज करने का या फिर सेल करने का? अगर आप मैन्युफैक्चर हो, अगर आप मैन्युफैक्चर हो, शॉपकीपर हो, तो आप परचेज करोगे। अगर आप कंज्यूमर हो, अगर आप कंज्यूमर हो तो उनको परचेज करोगे, और अगर आप शॉपकीपर हो तो आप उनको सेल करोगे। तो इनका प्रॉफिट क्या है दोनों का, कि वो अर्निंग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट। क्या करना चाहते हैं? प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं ताकि वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। तो बिजनेस की बहुत सिंपल टर्म की डेफिनेशन ये है, बिजनेस रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग द परचेज, प्रोडक्शन और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इन सोसाइटी। बिजनेस कोई छोटा मोटा टर्म नहीं है, ये बहुत वाइड टर्म है। बिजनेस इज अ वाइड टर्म। इसमें इंक्लूड्स होती है, मतलब बिजनेस में क्या है, इंक्लूड्स होती है ऑल ऑक्यूपेशन, सारे के सारे ऑक्यूपेशन इंक्लूड होते हैं, जिससे कि पर्सन अपने आप को बिजी रखता है। क्या? इट इंक्लूड ऑल ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। यानी बिजनेस क्या है, एक बहुत वाइड टर्म है, और इसमें क्या होता है, एक पर्सन क्या होता है, अपने आप को बिजी रखता है कोई सा भी ऑक्यूपेशन करने के लिए। ऑक्यूपेशन भी एक तरह से बिजनेस का ही सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, या सिमिलर ही है एक तरह से। कुछ लोग उसको ऑक्यूपेशन बोलते हैं, कुछ लोग उसको बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस इज अ वाइड टर्म। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम। यानी लोग क्या है, बिजी है अर्निंग इनकम करने में, आइदर बाय प्रोडक्शन और परचेज। या तो प्रोडक्शन करेंगे या परचेज करेंगे, या तो खुद बनाएंगे या कहीं से होलसेलर से लेके आएंगे और उसको सेल करेंगे। दो चॉइस है, आप मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हैं या फिर आप बल्क में किसी से कोई गुड्स वगैरह परचेज कीजिए और उसको मार्केट में सेल कीजिए। परचेज एंड सेल दोनों एक्टिविटी बिजनेस में काउंट होती है, एंड सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर पीपल। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है यहाँ पे, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। कोई भी अगर ऐसे प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं बैठा तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होगा, फिर वो एनजीओ में काउंट होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम चैरिटी डोनेशन वगैरह किसी को देते हैं ना, वो उसमें काउंट होगा। अगर आप बिजनेस खोलकर बैठे हो तो आपका मेन मोटिव जो है ना वो है अर्निंग प्रॉफिट करना। नेक्स्ट है डेफिनेशन, बिजनेस क्या है। हम अब इसको अलग अलग टर्म से अलग अलग ऑथर के अकॉर्डिंग समझेंगे कि बिजनेस क्या है। बिजनेस क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो बिजनेस क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? उसके अंदर है विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज। यहाँ पे प्रोडक्शन करना, एक्सचेंज को हम सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। एक्सचेंज क्या है यहाँ पे? सेल। तो रेगुलर प्रोडक्शन और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। फिर से वही बात, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशन दी, लेकिन एक जो बहुत बेसिक चीज है ना, कि बिजनेस का पर्पस ही क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट करना। और उससे जब किसी पर्सन को अगर प्रॉफिट होगा तो वो अपनी नीड्स को, अपनी वॉन्ट्स को, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करता है। तो सेकेंड डेफिनेशन हमने क्या देखी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स रेगुलर प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द मेन पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी। अब हम ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं। अलग अलग ऑथर ने डेफिनेशन दी। सबसे पहले स्टीफन सन ने डिफाइन किया कि बिजनेस क्या है। तो ये क्या है? ये एक रेगुलर है। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो हर प्रोड्यूसर का या जो भी सेल्स पर्सन होता है या जिसकी भी शॉप होती है, उसका ये इंटेंशन नहीं होता कि वो उसको स्टार्ट करके ही बंद कर दे। उसका क्या होता है? ये इंटेंशन नहीं होता कि वो स्टार्ट करके ही बंद कर दे। उसका ये होता है कि जो सेल एंड परचेज हो रही है, उसका इंटेंशन ये होता है जो भी सेल एंड परचेज हो रही है वो रेगुलर होती रहनी चाहिए।
रेगुलरली कंटिन्यूस बेसिस पे होनी चाहिए. तो द रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज, प्रोडक्शन भी हो सकता है परचेज भी हो सकता है, सेल बोले या एक्सचेंज बोले गुड्स एंड सर्विसेज का, अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव. और फिर से वही बात कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है. क्या है, अर्निंग द प्रॉफिट एंड अक्वायरिंग वेल्थ. इससे क्या होगा, आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. क्या होगा, जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए एक अच्छा क्वालिटी ऑफ चीजों को खरीदेंगे और उससे क्या करेंगे, आप अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे. जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी असेट्स भी इंक्रीज होती जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग 5000 रुपीज कमा रहे हैं, हमारी इनकम क्या है 5000 रुपीज, तो हमारी अर्निंग क्या, हम लोगों की एक तरह से जो नीड्स होंगी हमारी वैसी होंगी. अगर हम 50,000 रुपीस कमा रहे हैं तो हमारी नीड्स वैसी होगी. तो यहाँ पे क्या है, दी रेगुलर प्रोडक्शन और परचेज सेल ऑफ गुड्स अंडरटेकन विद एन ऑब्जेक्टिव अर्निंग प्रॉफिट एंड अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वॉन्ट्स. तो ये आपकी डेफिनेशन थी स्टेफनसन के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट डेफिनेशन है सेकेंड ऑथर, ये हमारे फर्स्ट ऑथर थे. जब भी आप मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो आपको ऑथर की डेफिनेशन जरूर याद करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऑथर्स में से क्वेश्चन आते हैं. लेकिन अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना मैनेजमेंट में, तो आपको ऑथर की डेफिनेशन याद होनी ही चाहिए. लुईस हेनरी ने डिफाइन किया कि बिजनेस क्या है. लुईस हेनरी ने क्या डिफाइन किया कि बिजनेस क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी कोई बिजनेस करता है तो एनिमल्स नहीं करते, वो एक्टिविटी किसके बीच में होती है, ह्यूमंस के बीच में होती है. तो यहाँ पे एनिमल एक्टिविटी नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटीज बोलते हैं इसको. डायरेक्टेड टुवार्ड्स द प्रोड्यूसिंग बोल सकते हैं और अक्वायरिंग बोल सकते हैं. अक्वायरिंग में एक तरह से सेल काउंट होता है, अक्वायर मतलब किसी चीज को लेना, तो या तो प्रोड्यूस करना या एक तरह से अक्वायर करना वेल्थ, या तो आप उसको बनाओगे या उसको परचेज करोगे थ्रू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. यहाँ पे क्या है, गुड्स को बेच के जो भी आपको इनकम होगी, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके आपको जो भी इनकम होगी उससे आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, वेल्थ को बढ़ा सकते हैं. तो ये डेफिनेशन है इस मॉडर्न टाइम में बिजनेस. अभी अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करूं तो बिजनेस इज नॉट लॉन्गर डेली, मतलब बिजनेस का मतलब ये नहीं कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज का कर लिया. बिजनेस का मतलब आप सिर्फ इससे मेजर नहीं कर सकते कि आपने सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल किया है, या फिर अभी की बात कर रही हूँ तो लास्ट टाइम ही, तो बहुत पुरानी बात है कि बिजनेस पहले क्या होता था. मॉडर्न एरा की मैं बात करूं, पहले क्या होता था कि आपने शॉप खोली, आपको अर्निंग हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ और उससे आप अपनी क्या कर रहे हो, वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो. लेकिन आज के मॉडर्न एरा की बात करूं मैं, तो मॉडर्न एरा में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया और एक तरह से प्रॉफिट अर्न किया, वहां पे ये नहीं है. बिजनेस क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है. आज के टाइम पे बिजनेस क्या है, एक सोसाइटी का पार्ट बन चुका है. पहले के टाइम में क्या होता था, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल किया, प्रॉफिट अर्न किया, दैट्स इट, बात फिनिश. आज के टाइम पे, इन मॉडर्न टाइम्स, बिजनेस इज नॉट लॉन्गर डीलिंग विद गुड्स एंड सर्विसेज. जब भी कोई शॉपकीपर, जब भी कोई आपने ऑनलाइन बिजनेस किया होगा, जब भी किसी आप किसी भी कहीं से भी लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं से वो जो है सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करते हैं. आप पैकेजिंग के थ्रू देख सकते हो, आप एक तरह से गुड्स की क्वालिटी चेक कर सकते हो. तो अब क्या है, आज के टाइम पे प्रॉफिट अर्न करना मेन मोटिव नहीं होता, इट हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी. आज के टाइम पे जो हर शॉपकीपर है, हर पर्सन है, वो सोसाइटी के बारे में भी सोचता है. क्यों, क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी इनपुट किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जितने भी इनपुट हमें मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं, सोसाइटी से मिले हैं. तो हमें ऐसा प्रोडक्ट लेके आना है, हमें ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो हमारी सोसाइटी को हार्म ना करे, जो हमारे नेचर को हार्म ना करे. तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं ना. पहले के टाइम में होता था कि खुद का प्रॉफिट अर्न किया, खुद की वॉन्ट सेटिस्फाई करी, बात खत्म. लेकिन आज मॉडर्न एरा में सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना या गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना ही एक तरह से आपका मोटिव नहीं होता. आपका मोटिव ये होता है कि कहीं ना कहीं आप सोसाइटी को भी कुछ ना कुछ दे रहे हो. कैसे दे रहे हो कुछ ना कुछ, आप किसके थ्रू दे रहे हो, इनपुट वगैरह अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड करवा के कस्टमर्स को, कस्टमर की वॉन्ट्स को समझ के उनको अच्छी बेस्ट क्वालिटी रीजनेबल प्राइस पे दे रहे हो. अगर आप आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा बिक रहा है, बहुत ज्यादा सेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं से आप अपनी ब्रांच को एक्सपेंड कर रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो. उसके लिए आपको पर्सन चाहिए, बंदे चाहिए, उसके लिए आप एक तरह से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, सोसाइटी के लिए एक अच्छा, मतलब एक तरह से पॉल्यूशन हार्म ना हो ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हो. तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, सिर्फ आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, आपको सोसाइटी को भी कुछ देना है. आज के टाइम पे ये भी मैटर करता है. तो आज हमने क्या किया, बिजनेस की डेफिनेशन देखी. बिजनेस की डेफिनेशन में हमने एक सिंपल मीनिंग की डेफिनेशन देखी कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है
जिसमें हम क्या करते हैं, रेगुलर क्या करते हैं, परचेज एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि क्या होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, और कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन देता है आपकी नीड्स एंड वांट्स को, तो ये बिजनेस का मतलब होता है। नेक्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें, तो स्टेफनसन के अकॉर्डिंग एंड लुइस के अकॉर्डिंग देखा हमने कि दोनों ने ये बताया कि एक रेगुलर एक्टिविटी है, कंटिन्यूसली होती रहती है, इसमें भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और प्रॉफिट अर्न करने के थ्रू आप कहीं ना कहीं वेल्थ को क्रिएट कर रहे हैं, असेट्स को क्रिएट कर रहे हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो आज के लिए सिर्फ इतना, हमने क्या देखा, बिजनेस का मीनिंग क्या होता है। थैंक यू सो मच।